ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। ये तो अनर्थ है। अगर इसी धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, पुत्र प्राप्ति यज्ञ का फल मिलना भी मुश्किल है। वो कई गलती बच्चे हैं। भाई बताइए ना। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जीत, इसे बिना नाश्ता किए कैसे जा रहे? पहले नाश्ता कर लो फिर आराम से जाना। रावी, getting late, बाहर ही कुछ खा लूंगा। जीत जी, रावी जी जी ने इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया है, खा के जाइए ना, और खाली पेट घर से इस तरह से जाना भी नहीं चाहिए। हाँ जीत, वैसे भी बीवी का बनाया हुआ खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो बीवी का प्यार होता है, ऐसे मना नहीं करते। रावी जल्दी नाश्ता लगाओ। याद है ना क्या करना है? डरना नहीं है। अब ये कैमरा मुझे सुमित तक पहुंचाएगा। ओ वरुण, वो कुछ चाय नाश्ता मिलेगा कि भी नहीं है? चल जल्दी कर, किचन ही जा रहा हूँ। और शर्म तो नहीं आती ना आपको? आप बेटी की शादी करवा के दामाद थोड़ा लाए हो, दामाद के रूप में बहू लेकर आए हो। बहू बना के रखा हुआ है मुझे। और इसमें शर्म की क्या बात है? अब बड़ों की सेवा करना तेरा धर्म होना चाहिए। शुक्र कर, हम तेरे खाने की तारीफ करते हैं। क्या करें, वैसे भी तेरी चाय की आदत हो गई है। अब जा, चाय बना के ले। ओ देख क्या रहा है, जाना जल्दी जाके चाय बना। आ गई है, सही टाइम पर शुरू हो जाना। जी मैम जी। वीरन, वो नवी वाली फैक्ट्री है ना, उसका कुछ हिसाब तो समझाना है यार, बहुत दिनों से पेंडिंग है ये। घर के टंटे में ना वो गल दिमाग से निकल जाती है। आ जा जरा। सही कह रहे हो। आ जा। आओ आओ। बेबे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आने में। हरमन चले, सौम्य चलो। ये कहाँ चल दी? ये फैक्ट्री नहीं जाएगी? वो नहीं जाएगी। तू जा पुत्र। क्यों? सुमित रोज फैक्ट्री जाती है। कितने सवाल करता है तू?
नहीं जाएगी आज, समझा करना। हाँ ठीक है नहीं जाएगी तो क्या हुआ, नहीं जाएगी, चल चल जी। अच्छा वो शन्नो, सौम्या आज रसोई में भी नहीं जाएगी तो सारा खाना तू अकेले बना लेना। सुन सुन सुन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? बस ये जो महीने के 3-4 दिन है वो इसमें ना रसोई में जाएगी, ना पूजा करेगी और ना श्रृंगार। ऐसे कैसे होगा जी? करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इतना समझ ले कि तुझे इन दिनों में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा थका थका हुआ दिखाना है अपने आप को और हर मन से दूर रहना। पर उसे ये भी समझा दे कि कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ये ले बहू, ये साड़ी पहन ले और अलग कमरे में चली जा। माँ ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मैंने इस घर में ना कभी ये सब किया है ना करने थी। कोई नहीं करता, लेकिन इसने धर्म नहीं ना निभाया। शुद्धिकरण के लिए मैं साध्वी के पास गई थी, उन्होंने कहा कि इस बारी अगर तू सब विधिवत करेगी ना तो पिछले सारे पाप कट जाएंगे। ये साड़ी पहन और अलग कमरे में। लेकिन माँ जी, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, थैंक यू। हरमन जी। हाँ सुरभि, आओ बैठ। जी हरमन जी। सुरभि, मुझे तुमसे ऐसी कोई बात करनी है जो तुम्हारे घर पर नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कोई बात नहीं, कहिए क्या हुआ। सुरभि, मैंने आदित्य को बहुत ढूंढा, पूरी दुनिया में पता लगवा लिया मैंने आदित्य के बारे में। कोई कह रहा है वो लंदन में, कोई कह रहा है अमेरिका में, अब वहां कैसे ढूंढू। मैंने बहुत ढूंढा आदित्य को पर वो नहीं मिल पा रहा। ये कुछ बच्चों की फोटो मैंने मंगाई है अनाथ आश्रम से, सौम्या को दिखा दो और उसे समझा दो और उससे कहो कि वो अपने आदित्य इन्हीं में से ढूंढे। मैंने डिसाइड किया है कि बेबे के जाते ही हम बच्चा गोद ले लेंगे तो लोग सौम्या से सवाल भी नहीं पूछेंगे और सौम्या परेशान भी नहीं होगी और हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। सौम्या, अरे सुन छोटे चल, तेरी मामी को देखा? सुबह से सौम्या मामी आउटहाउस में बंद है, मैं कब से पूछ रहा हूँ क्यों बंद है, क्यों बंद है, कोई बता ही नहीं रहा है। आउटहाउस में
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो नानी माँ ने। अरे चाहती क्या है? तुम यहाँ नहीं रहोगी? चलो मेरे साथ। हरमन जी जाने दीजिए ना प्लीज, कुछ दिनों की तो बात है, और कहीं नानी माँ को बुरा ना लग जाए, उनके लिए ही सही। उनका दिमाग ठीक नहीं, पागल है वो, और हमें उनके साथ पागल नहीं होना। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़। हाथ छोड़। अगर दोबारा तूने इस कमरे में आना है ना, तो मैंने इससे तेरी पिटाई करनी है। यार बेबे ये डंडा। हाथ आना, दूर रह। इतने दिन साथ थे, थोड़ा सब्र नहीं कर सकता क्या? यार बेबे लेकिन ये यहाँ कैसे रहेगी, और वो भी अकेली? क्या हुलिया बना रखा है? कितने सवाल करता है तू? औरतों के मामले में इतनी पूछताछ करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? माँ ने कहा ना जा यहाँ से, तू जा। जाइए ना प्लीज, जाइए। और ना लेना पहले। ना लेना? इतनी रात को क्यों ना लूं? ये कितने सवाल करता है? हाथ पकड़ा था ना, तू बस नहा ले। जाना। चल। और तू कमरे में से बाहर मत निकल। बेबे सत श्री अकाल। एक की नाटक शुरू हो गया फिर प्रीत। अगर सौम्या की सच्चाई आपने पहले ही अपना ली होती तो नाटक कुछ ही समय का होता, उसके बाद हम भी चैन से रहते और हमारे बच्चे भी। मैं बेचैनी ठीक हूँ, लेकिन तू एक गल सुन ले प्रीत, तुझे इस घर को रंग भूमि बनाना है या रणभूमि बनाना है बना, मैंने कोई इतराज नहीं, लेकिन एक सच्चाई है, ये किन्नर है, ये सच्चाई समाज के सामने नहीं आनी चाहिए, ये हमारा तय हुआ है। आएगी जिस दिन मैं क्या सीख, मैं सबको गोली मार दूंगा, एक मिनट भी सोचूंगा नहीं मैं, सुन रही है? चलिए आइए सब लोग, खाना तैयार है। शेरा जो पाप किया ना, पाप पाप जिन्हों रब भी नहीं चाहता, सारी जिंदगी गंगा दे अंदर डुबकियां लगाएगा ना, गंगा दे अंदर ताम ये पाप नहीं तुलेगा। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बेबे वैसे हमारा हरक सिंह बहुत प्यारा है, अभी जब तूने मुझे नहाने के लिए कहा तो रास्ते में प्यारी सी शक्ल बना के खड़ा था। हाँ बेबे मुझे बड़ा प्यार है, और बस मैंने जोर की झप्पी दे दी हरक सिंह को, और एक नहीं दो झप्पियां दी है हरक सिंह। सच में दामाद जी? बेबे बाप बेटे का अटूट प्रेम है, और कहते ना खून पानी से गाढ़ा होता है, प्यार आ गया मैंने आज कुछ ज्यादा आ गया, तो एक झप्पी के बजाय मैं दो झप्पियां मारनी है और की। बढ़िया, पर अब आप भी नहा लो दामाद जी। बेबे मैंने तो नहा लिया है सुबह, मैं क्या कह रहे मैं नहा चुका है। जाओ हरक सिंह अपने भी पाप धोआ। सतनाम। रितो आज के मेरी बीवी को भूखा रखने का इरादा है तुम लोगों का? उसका खाना भेज देंगे थोड़ी देर में उसके पास। थोड़ी देर में मतलब? सब अभी खा रहे हैं तो वो भी अभी खाएगी ना। तो
तू खाना खाना चुपचाप भेज देंगे सौम्या को थोड़ी देर में। हाँ भूखा थोड़ी ना रखेंगे तेरी बोटी को, हमें भी फिक्र है उसकी। खामा माँ, ये ऐसा खाना इतना सादा, मतलब कुछ मुझे मत कोस। तुम लोगों ने जो पाप किए ना, मैं तो बस प्रायश्चित करवा रही हूँ। करना है ना प्रायश्चित, तो दिया रखा है इसने सुमित को। रुक, ये क्या है प्रीतो? यार मेरी बीवी को तू ऐसा मरीज वाला खाना खिलाएगी? तू एक काम कर, हमारा वाला खाना प्लेट में लगाकर मेरे कमरे में रख दे, मैं सौम्या को वहां बुलाकर खिला दूंगा। तू मेरी माँ को जानता नहीं है? अरे मेरी माँ, तेरी माँ सुबह होने से पहले तो यहाँ आएगी नहीं। तू बस खाना लगाकर मेरे कमरे में ला दे, मैं सौम्या को खिलाकर सुबह उनसे पहले उसे यहाँ पहुंचा दूंगा। प्रीतो, वो हमारे रिश्ते के लिए इतना कुछ सह रही है, हम इतना सा नहीं कर सकते उसके लिए, खाना नहीं खिला सकते उसको। अच्छा ठीक है चल, लेकिन सुन, तेरी नानी को इस बात की जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना हम सब मर गए समझ के। तू उसकी टेंशन मत ले, सब संभाल लूंगा। लाती हूं। फिर क्यों आ गए जी? चलो। हाँ। अपने कमरे में और कहाँ, यहाँ सोओगी जमीन पर? जबरदस्ती की तकलीफ नहीं सहने दूंगा मैं तुम्हें। चलो। हरमन जी, अगर नानी माँ ने फिर से देख लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, आप समझते क्यों नहीं है? सिर्फ दो तीन दिन की बात है, मान जाइए प्लीज, जाइए यहाँ से। यार बेबे सो गई है, सीधा सुबह 5 बजे उठेगी, उसके पहले मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगा। अब चलो यहाँ से। ये किसके लिए ले जा रही है? सौम्या के लिए। नीचे सो रही है, जमीन पे बैठ रही है, आदत नहीं है ना, बदन में दर्द होना ही है। फिर मेरे पास एक दवाई थी, दूध में मिला के दे दो तो नींद अच्छे से आ जाती है, सोएगी तो आराम मिल जाएगा। हाय रब्बा, उस कमरे में तो हरमन होगा। माँ ला, मैं दे ला। नहीं दे, मैं दे आऊंगी। तू थक गई होगी, जा सो जा, मैं दे आती हूँ। आप समझते क्यों नहीं है? देखो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ। माँ, सौम्या को दूध देकर यही आ जाना हॉल में, मैं तेरे सर पर तेल लगा दूंगी। बेबे यहाँ आ रही। चाहिए अब जल्दी जाइए यहाँ से। कमरे से बाहर निकला और बेबे ने अगर पकड़ लिया तो तुरंत नहलाएगी और दो बात सुनाएगी वो अलग। तो फिर जरूरत क्या थी यहाँ आने की हरमन जी, अभी फिर से ठंड पड़ेगी, चाहिए। अरे लेकिन